सो गाइस, हमारे फ्री फायर में वैलेंटाइन का इवेंट स्टार्ट हो चुका है और 14 तारीख को आप लोग को वैलेंटाइन इवेंट का पीक डे देखने को मिलेगा, जिस दिन आप सभी को बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको बिल्कुल ही फ्री में बंडल, ग्लू वॉल एंड और भी काफी सारी चीजें बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिलने वाली है। साथ ही आप लोग के मन में एक डाउट चल रहा है कि क्या आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मैजिक क्यूब भी मिलेगा, साथ ही और भी कौन कौन से छोटे मोटे रिवॉर्ड आपको देखने को मिलने वाले हैं, सब कुछ आपको दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं। और वैलेंटाइन डे के दिन कौन से न्यू मैजिक क्यूब बंडल हमारे गेम में ऐड हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो आप लोग आज की वीडियो जो है पूरा एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, आज सुबह से ही हमारे फ्री फायर में न्यू कॉलैब इवेंट स्टार्ट हो चुका है, जिसका एक व्हील इवेंट भी आ चुका है, जहां पे आप लोग को लुक चेंजर रिमोट, साथ ही अपना जो नया बंडल है वो भी प्रोवाइड कराया गया है, साथ ही एक न्यू एनिमेशन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो ये जो व्हील इवेंट है दोस्तों, इसमें आप लोग को एक ही साथ काफी सारे रिवॉर्ड मिल रहे हैं, आपको इमोट भी मिल रहा है, दो दो बंडल भी मिल रहे हैं, एनिमेशन भी मिल रहा है, साथ ही डबल यूएसपी का स्किन भी आप लोग को यहां से मिल रहा है। तो अगर आपके पास है लगभग 2000 डायमंड तो आप लोग इस इवेंट के अंदर स्पिन वगैरह मार सकते हो, क्योंकि यार आपको तो पता है लक बहुत कम है सभी लोगों का, और आप लोग को यहां पे 200 टोकन निकालने के बाद ये बंडल मिलेगा, तो 2000 डायमंड तुम्हारे पास होने चाहिए तब ये बंडल तुम लोग निकालने की सोच सकते हो। बात कर लेते हैं प्रोटेक्ट वेयर अकाउंट इवेंट के बारे में, यानी कि मल्टीपल बाइंडिंग इवेंट के बारे में। सो मल्टीपल बाइंडिंग का जो इवेंट है दोस्तों, वो हो सकता है 14 फरवरी से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सर्वर के ऊपर ये इवेंट स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे मल्टीपल बाइंडिंग करने के बदले में हम लोग को काफी सारे रिवॉर्ड वगैरह भी दिए जा रहे हैं, बट इंडिया के अंदर इसका कंफर्म डेट अभी तक नहीं आया है। मे बी ये हो सकता है कि नेक्स्ट ओबी अपडेट के बाद आपको ये वाला इवेंट इंडिया सर्वर के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी जो पैट्स नोट्स आए थे भैया, उसमें पहले ही गरीना ने बता दिया था कि ये वाला जो सिस्टम है इंडिया के अंदर भी आएगा, बट अभी तक ऐड नहीं हुआ है, मे बी अपडेट के पहले आ सकता है, बट चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। बाकी कन्फर्म डेट आएगा तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फ्लेमिंग स्टोर के बारे में, जिसके अंदर गाइस आप लोग को मिलेगी हमारी न्यू कटाना की स्किन, साथ ही कुछ पुराने मिस्ट्री शॉप के बंडल भी आप लोग को यहां से मिलने वाले हैं, साथ ही एक नया बंडल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ ही गाइस एक और चीज आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, हमारे फ्री फायर में जो फ्लेमिंग स्टोर है वो आए दिन आता ही रहता है और अलग अलग प्रकार के बंडल आते हैं, तो इस बार दोस्तों आप लोग कुछ नए बंडल यहां पे देखने को मिले हैं, जहां पे स्टार्टिंग के 10 मिनट में आप लोग को 50% ऑफ मिलेगा, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को 15 स्पिन करने के बाद मिलेगा कुछ रिवॉर्ड, जो कि 3 में से 1 रिवॉर्ड आप लोग ले सकते हो। साथ ही आप लोग यहां पे लेफ्ट साइड में देख सकते हो प्राइस पूल में भैया बहुत सारे रिवॉर्ड है, इनमें से कोई एक रिवॉर्ड एक स्पिन में निकलेगा, और कंफर्म नहीं है कि भाई बंडल ही निकलेगा। तो जितने भी इवेंट आ रहे हैं डायमंड वाले आ रहे हैं, बाकी अपना जो डिनो वाला रिंग इवेंट है ये यार काफी अच्छा इवेंट है, जहां पे आप लोग को टोटल 4 डिनो बंडल देखने को मिलेंगे, साथ ही वैलेंटाइन के और भी कुछ आइटम वगैरह है, जैसे कि यहाँ पे सर्फ बोर्ड का स्किन वगैरह भी है, साथ ही आप लोग को मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग टोकन से एक्सचेंज करते हो तो 50 टोकन लगेगा आप लोग को एक डिनो बंडल को एक्सचेंज करने में, मतलब अभी जितने भी इवेंट आ रहे हैं सारे महंगे महंगे इवेंट आ रहे हैं, और अभी तो आपको पता है कुछ टाइम पहले ही वो बंडल भी रिटर्न आ चुका है, तो मेरे हिसाब से आप लोग को भी यह डिनो वगैरह उतना खास पसंद नहीं होगा। बाकी आप लोग में से कौन कौन वेट कर रहा है हमारे वैलेंटाइन रिंग इवेंट का, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। बाकी इंडिया के अंदर जब ये इवेंट आएगा तो यहाँ पे थोड़े बहुत आइटम वगैरह जो है चेंज कर सकता है गरीना, जैसे कि लीक्स निकल करके आ रही है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर में आने वाले एक न्यू फिटेड व्हील के बारे में, जिसके अंदर गाइस आप लोगों को हमारा मछली वाला एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक हमारे सर्वर में ऐड नहीं हो पाया है। सो आप लोग में से कौन कौन वेट कर रहा है मछली वाले स्काइविंग स्किन का, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ यार दोस्तों, अभी एक न्यू फिश का स्किन हमारे गेम में ऐड होगा, जो कि लगभग 13 या फिर 15 फरवरी तक गेम में आ जाएगा, बाकी आज के दिन ये हो चुका है 11 फरवरी, और मे बी चांसेस है भैया 12 से लेकर के 15 फरवरी के बीच में कि आप लोगों को कोई नया फिश का स्किन देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे जो न्यू एंट्री एनिमेशन है वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा, आज एक एंट्री एनिमेशन आ चुका है, तो एक वीक दो वीक के अंदर आप लोग को ये वाला एंट्री एनिमेशन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर में आने वाले एक और तगड़े इवेंट के बारे में, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार रहता है। सो गाइस अपना जो नेक्स्ट मैजिक क्यूब बंडल है वो 14 तारीख को ऐड हो सकता है, क्योंकि 14 तारीख को आपको फ्री में मैजिक क्यूब भी मिल सकता है, जैसे कि बाहर के कुछ सर्वर में दिया जा रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे गेम में कुछ नए मैजिक क्यूब बंडल ऐड हुए हैं, और 1 फरवरी को ही ऐड हुए थे, तो हो सकता है 14 फरवरी को 1-2 वैलेंटाइन के बंडल यहाँ पे गरीना अपडेट कर सकता है मैजिक स्टोर में। बाकी दोस्तों अभी कंफर्म बंडल निकल करके नहीं आए हैं, बट कुछ पॉसिबल बंडल हैं जो कि आप लोग को हमारे
14 फरवरी के दिन गेम में अपडेट देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों इतने सारे बंडल आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, इनमें से एक या फिर दो बंडल जो है गरीना ऐड जरूर करेगा। बाकी आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो डॉक्टर वाला बंडल है जो कि यार जॉम्बी समुराई वगैरह के टाइम पे मिलता था, जो आप लोग को याद होगा जॉम्बी इन्विजन वाला मोड था जहाँ पे ग्रेवयार्ड में रहता था, उधर पे दोस्तों आप लोग को यहाँ पे टोकन मिलते थे, तो उस टाइम पे आप लोग को डॉक्टर वाला जो बंडल है एक्सचेंज में मिलता था। सो वो बंडल उसके चांसेस यार कम है, क्योंकि बाहर के सर्व में आपको पता है अभी बहुत सारे पुराने बंडल वगैरह रिटर्न आते रहते हैं, और अभी के टाइम में इंडिया के अंदर वो बंडल यार बहुत डायमंड लगाने के बाद ही मिलेगा मेरे हिसाब से, जैसा कि लग रहा है। साथ ही दोस्तों एक न्यू व्हील इवेंट आ सकता है जहाँ पे आप लोग को वैलेंटाइन के कुछ डिस्काउंट आइटम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो डिस्काउंटेड व्हील इवेंट आ चुका है जहाँ पे ये बंडल तो हमारे गेम में ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, लेकिन वैलेंटाइन के कुछ और आइटम जैसे कि क्रिएट वगैरह साथ ही गिफ्ट बॉक्स वगैरह आप लोग हमारे डिस्काउंट व्हील के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही गाइस आप लोग को एक और चीज पूछनी थी, बुया पास डिस्काउंट में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इस बार भी दोस्तों यहाँ पे लीक्स निकल कर के आ रही हैं कि बुया पास का आपको कोई डिस्काउंट इवेंट देखने को नहीं मिलेगा, और यार गरीना के मन की बात है, जब उसका मन करेगा भाई कोई ना कोई डिस्काउंट दे देगा, क्योंकि हाइड आउट में आपको पता ही लाइट पास डिस्काउंट में आता था। सो हो सकता है हाइड आउट के अंदर आपको बुया पास भी डिस्काउंट में देखने को मिल सकता है। अभी हम बात करते हैं वैलेंटाइन डे के दिन आप लोग को कौन कौन से रिवॉर्ड फ्री में मिल सकते हैं। सबसे पहले तो यार आप लोग को यहाँ पे हमारे विक्टोरियस लव के दिन कुछ मिशन मिलेंगे जहाँ पे आप लोग को करना पड़ेगा टोकन कलेक्ट। तो यहाँ पे लॉगिन में आपको एक टोकन मिलेगा, रिवाइव करने पे एक टोकन मिलेगा, 2500 डैमेज देने पे आपको यहाँ पे एक टोकन मिलेगा, ऐसे करके आप लोग को टोटल 4 टोकन मिलेंगे। एक्सचेंज के अंदर दोस्तों 6-6 टोकन के अंदर आप लोग को यहाँ पे बंडल का जो टॉप है वो मिलने वाला है, और हो सकता है कि ये जो बंडल है अगर फ्री में नहीं मिलते हैं तो मैजिक की भी स्टोर के अंदर अपडेट किए जा सकते हैं, जैसा कि भैया मेरे को पता चला है। बाकी यहाँ पे जो ग्लू वॉल आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छी ग्लू वॉल है यार, और ये बाहर के सर्वर में फ्री में मिल रही है, तो चांसेस हैं कि कोई ना कोई एक ग्लू वॉल हमारे इंडिया के अंदर भी ये लोग फ्री में प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही आप लोग को भैया 14 तारीख को मिलेगा बिल्कुल ही फ्री में 4 या फिर 6 घंटे के लिए रूम कार्ड, साथ ही आप लोग को नेम चेंज कार्ड भी मिलेगा पिंक पंक इवेंट के अंदर से। साथ ही गाइस आप लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा कमेंट करके पूछते हो कि अपना वैलेंटाइन विश इवेंट आएगा या फिर नहीं आएगा। सो वैलेंटाइन विश की जगह पे भैया हमारे फ्री फायर में सुपर लव करके एक इवेंट आ चुका है जो कि वैलेंटाइन विश की तरह ही है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं सारे वैलेंटाइन के आ चुके हैं, साथ ही इमोट वगैरह भी ऐड हो चुका है। सो यहाँ पे वैलेंटाइन विश इवेंट के काफ़ी कम चांसेस लग रहे हैं। बाकी दोस्तों वैलेंटाइन का पीक डे रहेगा 14 तारीख को, आपको तो पता ही है, तो उस दिन आप लोग को यहाँ पे लॉगिन करने में कुछ रिवॉर्ड वगैरह मिलेंगे जैसे कि मैजिक क्यूब हो गया, साथ ही मैजिक क्यूब जो है भैया 10,000 डैमेज कंप्लीट करने के बाद आप लोग को दिया जा सकता है, और एक्सचेंज इवेंट जैसे कि आप लोग बताया बहुत सारे बंडल आप लोग को एक्सचेंज में देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग सर्वर में दोस्तों अलग अलग बंडल आएंगे। सो बांग्लादेश में कुछ और आ सकते हैं और इंडिया के अंदर कुछ और आ सकते हैं, सो कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि कौन से सर्वर में कौन सा आएगा। बाकी ये कंफर्म है कि 14 तारीख को आप लोग को बहुत भर के रिवॉर्ड मिलेंगे। सो आप लोग में से कौन कौन वेट कर रहा है 14 तारीख का, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो जल्दी से यार दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे भी अगली किसी और वीडियो में और भी काफ़ी सारी अपडेट के साथ, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद गाइस।